और इस वक्त अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। और शुरुआत की जा रही है 2 अक्टूबर को वर्धा सेवाग्राम आश्रम से, जहां पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मिलेगी। वहां पर प्रार्थना सभा होगी सेवाग्राम आश्रम में, शांति मार्च निकाला जाएगा, पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें राहुल जी संदेश देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज जो माहौल देश में बन गया है, जो ताकतें बैठी हुई है सत्ता में, किसी ने कल्पना नहीं की थी। गांधी का जो संदेश है सत्य का, अहिंसा का, और अहिंसा के हत्यारे के रूप में उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवा दिया। और आज पूरी दुनिया के मुल्क 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उन महात्मा गांधी का नाम लेने लग गए वो लोग जो फासिस्ट ताकते हैं, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जिनका हिंसा में यकीन है, वो ताकतें आज गांधी को लेकर के राजनीति कर रही हैं। मैंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में ऐसा माहौल देश में कभी नहीं देखा, जहां हर परिवार, हर वर्ग भयभीत हो, घृणा का, नफरत का माहौल हो, संवेदनहीनता का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की चौपट हो गई, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और मोदी जी व उनके साथी लोग, जिनका यकीन नहीं है महात्मा गांधी के विचारों में, जिनका यकीन नहीं था कभी सरदार पटेल के विचारों में, जिस सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया हो, उन सरदार पटेल की मूर्ति लगाने का निश्चय किया गया है। 60 साल तक तो इनको ना सरदार पटेल याद आए, ना महात्मा गांधी याद आए। आज जब हालात देश में हैं, दुख इस बात का होता है कि महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, सरदार पटेल का नाम लेते हैं, उसके बाद में जो संदेश जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक, वो जा रहे हैं घृणा के, नफरत के, हिंसा के जा रहे हैं, रोकने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये चिंता का विषय था, ये सोच करके एक ऐसी जगह पर जहाँ पर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो विचार है वो 1942 के अंदर वर्धा में ही प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है, और उसी को लेके अंग्रेजी हुकूमत में हड़कंप मच गया था। उस जगह से ही हम चाहते हैं कि घृणा का, नफरत का, भय का, हिंसा का माहौल है, उसको दूर करने के लिए संदेश दिया जाए, और गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल करके कैसे पूरे देश में ऐसा माहौल बने जो प्रेम का हो, मोहब्बत का हो, भाईचारे का हो, सद्भाव का हो, अहिंसा का हो। लड़ाई हमारी विचारधारा की होती है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। दुख इस बात का है कि वो पीछे रह गई है, एजेंडा उनका दूसरा बन गया है, वो चिंता का विषय है देश के लिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं ऊँची समझता था कि मैं फॉर्मल वे में आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी होगी, और अन्य प्रोग्राम मैंने बताया वो प्रोग्राम हमारे प्रारंभ होंगे। धन्यवाद। गहलोत साहब का, जैसा आदरणीय गहलोत साहब ने कहा और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम की के लिए आप सबको निमंत्रण भी दें। आज देश में भय, झूठ और हिंसा मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। यह लड़ाई है, एक तरफ भय, झूठ और हिंसा, दूसरी तरफ निडरता, सत्य और अहिंसा की, जिसके प्रतिबिंब सदैव महात्मा गांधी रहे। सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी ने अपने जीवन के आखिरी 12 वर्ष बिताए। सेवाग्राम का इतिहास भी बड़ा रुचिकर है, और बहुत संक्षिप्त में मैं आपको कुछ तिथि दूंगा जो इतिहास के पन्नों को दोबारा से देश को याद दिलाती हैं।
12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम